25 अगस्त को बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर रिलीज हुई है। इसे अलग अलग दर्शक देखकर अलग अलग रिव्यू दे रहे हैं, जहां पर किसी को अभिनेत्री का डांस पसंद आया तो किसी को इनकी चुलबुली अदायगी और कई तो इनके बारे में कुछ अलग ही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रिलीज हुई इस फिल्म की अभिनेत्री अनन्या पांडे के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर क्या आप इनके परिवार का इतिहास जानते हैं कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं और कैसे इन्होंने बॉलीवुड में अपने आप को सेट किया है। अगर आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस अभिनेत्री के लिए एक लाइक करना ना भूलें। अभिनेत्री के घर के परिवार का इतिहास शुरू होता है इनके पिता चंकी पांडे से, जो मुंबई के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे और पले बड़े और बड़े होकर एक्टर बने। फिर कुछ सालों बाद अपनी गर्लफ्रेंड भावना से शादी की, जिनसे इन्हें समय के साथ दो प्यारी बेटी हुई, अनन्या और रायसा, जिन पर ये अपनी जान देते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी मम्मी भावना पांडे के बारे में तो वो पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। वहीं अगर बात करें इनकी छोटी बहन रायसा पांडे के बारे में तो वो फिलहाल अभी काफी छोटी हैं और अपनी स्टडी पर फोकस कर रही हैं। वहीं अगर बात करें घर की सुपरस्टार अनन्या पांडे के बारे में तो बता दें इनका जन्म 30 अक्टूबर 1998 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पर इनका कुछ और करने का मन नहीं था क्योंकि इन्हें एक्टिंग फील्ड में जाना था, इसलिए इनके पापा चंकी पांडे के फ्रेंड करण जौहर ने इन्हें अपने धर्मा प्रोडक्शन तले फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में साल 2019 को लॉन्च किया था, जहां पर अनन्या की एंट्री ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और फिर ये पति पत्नी और वो फिल्म में भी नजर आई, जहां पर इनके डांसिंग और अदायगी को दर्शकों ने काफी ज्यादा सराहा था। तभी तो ये खाली पीली फिल्म में भी नजर आई, जो पर्दे पर फ्लॉप रही, पर इसमें भी इन्हें काफी ज्यादा सराहा गया। अब ये लाइगर मूवी के जरिए साउथ के हैंडसम अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ अच्छी खासी केमिस्ट्री शेयर करके बड़े पर्दे पर नजर आ चुकी हैं, जो काफी मजेदार रहा है। वहीं अगर बात करें इनके निजी जिंदगी के बारे में तो हम बता दें फिलहाल तो इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग करियर पर फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको लाइगर मूवी में इनकी एक्टिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।